फ्रेंच हैकर एलियट एंडरसन के खुलासे से फंसी कांग्रेस ने डिलीट किया अपने ऐप और मेंबरशिप वेबसाइट। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा बिग बॉस को भारतीयों की जासूसी पसंद, डेटा चुरा रहा है नमो ऐप। डेटा लीक पर बीजेपी ने राहुल को ट्वीट करके उन्हीं के अंदाज में घेरा, लिखा हाय मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं आपका सभी डेटा सिंगापुर में अपने दोस्तों को दे देता हूं। लखनऊ में मायावती ने की पार्टी विधायकों के साथ बैठक, कहा सपा बसपा का गठबंधन होगा, कार्यकर्ता करें जमीनी स्तर पर तैयारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा दलित और गरीब विरोधी है बीजेपी, लोकसभा में बीजेपी को सिर्फ 31% वोट मिले, हम बीजेपी को सत्ता में वापस नहीं आने देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का 2019 चुनाव पर बड़ा बयान, बोले बीजेपी जीती तो देश का होगा आखिरी चुनाव, संविधान बदलने की जताई आशंका। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का 2 दिनों का कर्नाटक दौरा, सिद्धगंगा मठ गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस की चाल को काट के तौर पर मानी जा रही है अमित शाह की रणनीति। अन्ना के आंदोलन का 4वां दिन, भूख हड़ताल के कारण अन्ना का वजन 3 किलो तक हुआ कम, अन्ना के साथ अनशन पर बैठे लोगों की भी तबीयत खराब। रूस के साइबेरियाई शहर केमरोफो में एक शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग, हादसे में 64 लोगों की मौत, हादसे में बड़ी संख्या में लोग लापता। एमपी के सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्राओं से शर्मनाक हरकत, हॉस्टल वार्डन ने छात्राओं से कपड़े उतरवाकर की चेकिंग, बाथरूम में यूज्ड सैनिटरी नैपकिन पाए जाने की बात की गई चेकिंग। चीन की विस्तारवादी नीति की एक और नापाक करतूत, सियाचिन के पास शक्सगम घाटी में चीन ने बनाई 36 किलोमीटर लंबी सड़क, पाक ने चीन को गिफ्ट में दिया था शक्सगम क्षेत्र। बॉल टेंपरिंग विवाद के बाद राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी से स्मिथ की छुट्टी, रहाणे होंगे कप्तान, पहले हटाया जा चुका है ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी से। बॉल टेंपरिंग पर ट्वीट करके फंसे पूर्व पाक खिलाड़ी वकार यूनिस, बोले तुम्हें ही मिली थी पहली सजा, वकार यूनिस ने पोस्ट लिखकर स्मिथ बॉल टेंपरिंग मामले में जांच की थी मांग। ग्रेटर नोएडा में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और कई लाख रुपए की ज्वेलरी सहित लगभग 22 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। चोरों ने चोरी की वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि घर में बैठकर पहले शराब पी और फिर घर में रखे सामान पर अपना हाथ साफ कर फरार हो गए। पीड़ित सभी लोग एक प्रोग्राम के चलते घर का ताला लगाकर प्रोग्राम में गया था। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, सूचना पाकर पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। दिल्ली के शालीमार बाग थाना क्षेत्र में 11 साल की मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई, कल शाम से गायब था बच्चा, आज कई किलोमीटर दूर झाड़ियों में मिला बच्चे का शव, कुकर्म की आशंका। दिल्ली के रोहिणी इलाके में चाकू से गोदकर 16 साल के एक युवक की हत्या कर दी गई, पड़ोसी युवक पर लगा हत्या का आरोप, मृतक का युवक जमानत पर जेल से आया था बाहर। दिल्ली के पौश मियावली नगर में कई सोसाइटीज के बीच बना जीडीए का पार्क बदहाली का शिकार है, पार्क पर इन दिनों आवारा कुत्ते चूहे और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा काफी समय से लगा रहता है और पार्क में सफाई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाट आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई हुई है, हरियाणा सरकार से यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया है। रोहतक में कृषि मेले का 3रा दिन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शिरकत, मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे गडकरी। कैथल में सीमेंट लदे ट्राला चालक का अपहरण कर करीब 5 लाख रुपए लूटने के आरोप में 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया गया है, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कप्तान पसान क्षेत्र से ये लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस थाना सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर महावीर सिंह
में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के कुशल मार्गदर्शन द्वारा दौरान मात्र 5 दिन में ही खुलासा करते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल कर ली गई है। जिला जींद निवासी लुटेरे गिरफ्तार किए गए। बहादुरगढ़ के मांडोढ़ी गांव में बच्चों की मामूली लड़ाई ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। दो पक्षों के झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। 23 मार्च को देर शाम का यह पूरा मामला है। युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गुड़गांव के सोहना में शमशान को लेकर दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। खटीक समुदाय और गुर्जर समुदाय के बीच यह संघर्ष हुआ है। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई है। फायरिंग करने का भी आरोप है।